बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, की हाल है? उम्मीद है सारे ठीक होंगे। अल्लाह ताला सारे अपने घर खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी व्यूवर्स, अज तुहाडे लई लैके आए हैं कढ़ाई की सब तो आसान तरीन रैसिपी। तुसीं इहनूं ईद ते बना के अपनी जिंदगी आसान कर सकते हो। ईद वाले दिन काफ़ी कम ज़्यादा होंगे आ, तो जो तुम इस तरीके कढ़ाई बनाओगे तो बहुत ही आसानी के नाल तुहाडी कढ़ाई बन जाएगी, तो तुम बाकी के काम भी आसानी के नाल कर सकोगे। चलो देखते हैं आपां इहनूं किस तरह बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले घी लै लिया वा। ये मैं 2 किलो बीफ की कढ़ाई बना रही हाँ, तो वो हिसाब के नाल मैं तकरीबन 1.5 कप घी लिया वा। पिघलिया हुआ घी जरा 1.5 कप होएगा, तो जो जमया हुआ होएगा तो 1 कप ही काफ़ी होएगा। तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज शामिल कर देंगे। तो वीडियो चंगी लगे तो लाइक तो शेयर जरूर करे, जो चैनल तो नवे तो चैनल में सबसक्राइब करके जाया जाए, नाल बैल आइकन जरूर प्रेस करे ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन थोड़े तक आसानी पहुँच सके। प्याज नूं थोड़ा जिहा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, बस थोड़ा जिहा कलर पकड़ लवे। तो तुसीं इहदे विच जिहड़ा वा शामिल कर देना वा बीफ। तुसीं इहनूं मटन दे नाल भी सेम इसे तरीके दे नाल बना सकते हो। मिक्स करांगे इहनूं अच्छे तरीके दे नाल, कलर चेंज होण तक नूं आपां थोड़ा जिहा इहदे विच इसी तरह इसी घी ते प्याज दे नाल फ्राई करांगे। तो मेरे कोल तकरीबन 2 चम्मच लसन ते अदरक का कुटिया होया इनू शामिल कर देंगे। ये तुसी ख्याल रखना वा जिनी देर तक गोश्त का कलर चेंज ना हो, थोड़ा जिहा कुकिंग वाले प्रोसेस वाल ना चला जाए, उन्नी देर तक तुसी लसन प्याज का जरा पेस्ट है शामिल नहीं करना। मैं फ्रैश कुट के शामिल किया। मेरे को 5 मीडियम साइज़ के टमाटर से भी मैं रफली चॉप कर ले। तो जो लसन तो अदरक अपना अच्छे तरीके भुन हो जाए, वह कच्चापन खत्म हो जाए, तो टमाटर ये शामिल कर देने। तो हूँ इन तुम ला देना वा लीड, तकरीबन 2 तो 3 मिनट तक जी वेट चलेगी। तो ये जड़ा वा ना अपना टमाटर अच्छे तरीके गल जाएंगे। सिर्फ 2 तो 3 मिनट वेट लानी है, तुम्हें इस तो ज़्यादा नहीं फिलहाल लानी। तो कुछ थोड़ा बहुत गोश्त भी अपना गल जाएगा, तो ये जड़े आ टमाटर वो भी अच्छे तरीके गल जाएंगे। सिर्फ 3 मिनट विसल चली है, तो मैं इनू बंद कर दिता सी फ्लेम नू। तो यह देखो माशाल्लाह टमाटर अच्छे तरीके गल गए। तो हुण आप बाकी नैक्सट डे जो मसाले वगैरह ऐड करने हैं वो ऐड करांगे। तुहानू वीडियो चंगी लगे तो लाइक तो शेयर जरूर करे, जे चैनल तो नवे तो चैनल में सबसक्राइब करके जाया जाए, नाल बैल आइकन जरूर प्रेस करे ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन थोड़े तक आसानी पहुँच सके। कोशिश मेरी यह होंगी है कि रैसपी जी बिल्कुल आसान तरीके तक पहुँचाई जाए, ताकि जिहड़े बिगनर्स आ छोटियां बच्चियां वा जिन्हां नूं कुकिंग करन दा शौक आ या कईआं नूं मजबूरन कुकिंग करनी पै जांदी आ कि घर 'च कोई वड्डा नहीं हुंदा, ते उहनां वास्ते आसानी होवे, ना कि इह होवे कि जिहड़ी वी कोई चीज़ बना रहे उह खराब हो जावे। ते इस लई जरूर मेरी वीडियोज़ नूं लाइक करिया करो, इहनां नूं शेयर भी करिया करो अपने फैमिली ते फ्रेंड्स दे विच। तकरीबन 1/2 चम्मच तों थोड़ा जिहा कम इहदे विच आपां हल्दी शामिल करांगे, मिक्स करांगे अच्छे तरीके दे नाल। हर मसाला पाण लग्या जे तुहाडे कोल टाइम होवे ते तुसीं उहनूं मिक्स जरूर करिया करो, फिर अलहदा अलहदा हर मसाले नूं शामिल करिया करो, ते ज़्यादा अच्छा जबरदस्त टेस्ट निकल के आता वा जिहड़ी भी चीज़ आपां बना रहे हां। बेशक उह तुसीं सादा आलू अंडे बना रहे हो, ते बहुत मज़ेदार टेस्ट आता वा जे तुसीं हर मसाले नूं अलहदा अलहदा टाइम दिओगे। ते सुरख मिर्च शामिल कर देंगे इहदे विच, 2 किलो आ बीफ ते इहदे विच 2 चम्मच मैं ते सुरख मिर्च दे शामिल कर दिते आ। तुहाडा कढ़ाई दे वास्ते तुसी जिहड़े भी चीज़ बना रहे हो, बीफ है मटन है, जिन्नी उहदी क्वांटिटी है तुसी उस हिसाब दे नाल ये जिहड़े मसाले आ इहनां नूं प्लस माइनस कर सकदे हो। कम होवे ते उस हिसाब नाल तुसी कम कर लो मसाले, ते जे तुहाडा ज़्यादा होवे ते इस हिसाब नाल ज़्यादा कर लो। मिर्चां नूं वी अच्छे तरीके दे नाल मिक्स कर दिता वा। तो यह सुक्का धनिया ये शामिल करांगी, ये भी मोटा मोटा दरदरा जिहा ही मैं कुट के रखती हूँ, बहुत ज़्यादा फाइन इहदा ना पाउडर नहीं बनाना चाहिए, इस तरह टेस्ट सारा ज़्यादा निकलता वा। 2 चम्मच धनिए दे शामिल कर दिते, 1/2 चम्मच भुनिया कुटिया हुआ जीरा शामिल कर दिता। मिक्स करांगे इन्हां नूं अच्छे तरीके दे नाल, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त जी कढ़ाई अपनी तैयार हो रही है। तुसीं इहनूं मेहमान आ ते बना सकते हो, किसी भी दावत वास्ते बेस्ट ऑप्शन है, बहुत ही मज़े की बनती है, तो बहुत ही टेस्टी बनती है। बुनाई होने देंगे थोड़ी देर वास्ते,
अच्छे तरीके दे नाल इहदी तुसीं भुनाई करनी आ। भुनाई ते कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, जिन्ना अच्छे तरीके दे नाल तुसीं भुन रहोगे जिहड़ी भी चीज़ तुसीं बना रहे हो, बेशक कोई दाल आ बेशक सब्ज़ी आ, जिन्नी अच्छी भुनाई करोगे उन्ना ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। ते मैं नमक शामिल कर दिता वा टेस्ट के अकॉर्डिंग, एक चम्मच शामिल किया वा, तुसी अपना चैक करके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वध घट कर सकते हो, क्योंकि नमक मसाले ये सारी हर घर की जिहड़ियां ना अलहदा हुंदे आ। टेस्ट कोई ज़्यादा मसाले पसंद करता वा, कोई कम पसंद करता वा। ये देखो माशाल्लाह अच्छी जी बुनाई हो गई है, क्योंकि इन्नी ज़बरदस्त जी बुनाई हो गई है यदि गोश्त भी। आपां पहले जिहड़ा वेट लाई सी इहनू ते थोड़ा जिहा उदों दा भी डन होया होया वा, तकरीबन गोश्त भी जिहड़ा गलिया होया वा। ते हुण इहदे विच आपां पानी शामिल करांगे, जे ते तुसीं इहनू वैसे ही वेट नहीं लानी वैसे ही गलाना वा, ते फिर तुसीं इहदे विच जिहड़ा वा ना 4 मग पानी दे शामिल करने हैं। मेरे को 1/2 लीटर वाला मग वा हैगा भी, यानी कि 2 लीटर ही पानी ये शामिल कर दियो। तो आहिस्ता जो फ्लेम पर ना बिल्कुल स्लो फ्लेम पर तुम रख दियो, लेकिन मैं इनू वेट लानी सी इसलिए मैं ये तकरीबन 700 ml पानी शामिल किया वा, एक मग भर के पाया वा, तो दूसरा अद्धे तो भी थोड़ा जहा कम सीगा। तो देखो माशाल्लाह गोश्त अच्छे तरीके नाल गल गया वा। टोटल इनू 10 मिनट आपां लिड नू बंद किया वा, 2-3 मिनट तो बाद वेट जी हिलनी शुरू हो गई सी, 7 मिनट वेट हिली है, तो उस तो बाद मैं ना बंद कर दिता ते गोश्त अपना गल गया वा। हुण इहदे विच आपां 2 कप अच्छे तरीके नाल फेंटिया होया दही शामिल करांगे, ते फ्लेम जिहड़ा वा बिल्कुल दम वाला कर दिता सीगा मैं। तुसीं चाहो ते फ्लेम नूं बंद भी कर सकदे हो, क्योंकि तेज़ फ्लेम ते जदों दही शामिल किया जाता वा ते दही फट जाता वा, ते ओह फिर जिहड़ा ना फुटियां फुटियां दा दे नाल टैक्सचर अच्छा नहीं आता, अच्छियां नहीं लगदियां, उस तरह ही फिर वह घुलदियां भी नहीं गियां। तो इसलिए बिल्कुल आहिस्ता फ्लेम तुसीं करके या फ्लेम बंद करके तो फिर दही शामिल करिया करो, जिहड़ी भी चीज़ दे विच शामिल करना वा, ते बुनाई करांगे अच्छे तरीके दे नाल। मेरे बाकी दे चैनल दा विजिट करो, तुहानू वीडियोस अच्छियां लगन ते जरूर उहनां नू लाइक करो शेयर करो अपने फैमिली ते फ्रेंड्स दे विच। ते चैनल ते पहली बारी आए हां ते चैनल नू जरूर सबसक्राइब करके जाया जे, मज़ीद अपडेट्स वास्ते चैनल नू जिहड़ा वा तुसी सबसक्राइब करदे हो या बैल आइकन जरूर प्रेस करे, ताकि आने वाली वीडियो दा नोटिफिकेशन तुहाडे तक आसानी नाल पहुँच सके। दही का पानी आप खुश करांगे, तो हुण यह चीज़ा जिहड़ियां वा आप शामिल करनियां वा। दही का पानी जो खुश हो गया तो फ्लेम मैं तेज़ कर लिया सी, यह फुल फ्लेम पर तुसीं यह 2-3 चीज़ां इत्थे शामिल करनियां वा। क्यों फुल फ्लेम रखना मैं तुहानूं दसदी हाँ। सब तो पहले मैं मेथी शामिल की है, ये तुसीं टेस्ट अकॉर्डिंग शामिल कर लेनी आ। उस तो बाद गर्म मसाला शामिल किया, तो यह फ्रैश कुटी हुई काली मिर्च आ, तुहानूं मेरा ख्याल हवन दस्ते च नज़र नहीं आई, तो देखो तकरीबन 1/2 चम्मच आ। तो ये सारिया चीज़ा फुल फ्लेम पर ही शामिल करनिया, क्योंकि काली मिर्च जो तुम स्लो फ्लेम पर शामिल करोगे तो वो की होएगा थोड़े जी भी रैसपी तुम बना रहे हो, तो पहले जो काली मिर्च शामिल कर दो फिर भी, तो इस तरह फुल आहिस्ता फ्लेम पर रखिया वो जो रंग है काला हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल लास्ट से फुल फ्लेम पर तीनों चीज़ा शामिल करके तो फिर फ्लेम में जरा वा 1-2 मिनट वास्ते इनूँ अपनी कढ़ाई में भुनना वा, तो भुनन तो बाद फ्लेम बंद कर देना वा। हम तुम चैक करवाने यदि फाइनल लुक है, देखो माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त जी बीफ कढ़ाई अपनी तैयार हो गई है। वीडियो नू जरूर लाइक करिया जे, चैनल नू जरूर सबसक्राइब करिया जे। देखो माशाल्लाह कुछ लोगों नू कढ़ाई दे विच भी थोड़ी जी ग्रेवी जी पसंद हुंदी है, कि थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी होवे ते वो तुसीं अपने हिसाब दे नाल एडजस्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ इत्थे इहनू फाइनल कर देंगे। तो ये शामिल करांगे सब्ज़ मिर्चा साबत ही इस तरह कटिया हुई, दरम्यान चो उन्होंने कट ला के इनू जरा वा लिड ला दियो 1-2 मिनट वास्ते, ताकि अच्छे तरीके दे नाल इन्हों का टेस्ट जरा वा वह भी कढ़ाई दे विच जबरदस्त जहा आ जाए। रैसपी चंगी लगी तो जरूर इन लाइक करिया जे, जरूर इनू ट्राई जरूर करिया जे, तो मैं दस्या जे कि थोड़ी रैसपी किस तरह की बनी। तो फाइनल लुक मिलते हैं नैक्सट वीडियो, हूँ तक लिए अल्लाह हाफिज़।